प्रदक्षिणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ भगवती की सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी देवी दुर्गे नमोस्तुते। माँ दुर्गा की आराधना के, माँ दुर्गा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वही हमारी माँ भगवती की आराधना की शाक्त परंपरा जिसमें हम शिव और शक्ति दोनों की पूजा करते हैं, और शाक्त परंपरा में जाकर शिव की परंपरा भी कहीं ना कहीं समाहित हो जाती है और भगवान का स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप हो जाता है। शाक्त परंपरा ये मानती है कि शक्ति नहीं तो सिद्धि नहीं, बुद्धि और समृद्धि का कोई अर्थ नहीं, यानी कि सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान जो परंपरा शक्ति की है, शक्ति संचय करने की जो परंपरा है, वो ये मानती है शाक्त धर्म में है कि शक्ति नहीं है तो सिद्धि नहीं है, बुद्धि और समृद्धि का कोई अर्थ नहीं है, और राष्ट्र के शक्तिबोध को नए सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का भी कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा किया है। और अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भारत की सामासिक संस्कृति, भारत का सनातन संस्कृति और भारत की अनेक धर्म और सनातन धर्म के भी अनेक मत किस तरीके से आपस में समरसता से रहते हुए समूचे विश्व को समरसता का और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। माँ देवी की आराधना में या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता कहा जाता है, कांति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, यानी कि माँ देवी में उस रूप की आराधना की जाती है जो व्यक्ति में कांति, दया, विद्या, श्रद्धा, भक्ति, लक्ष्मी और शांति और शांति की आराधना की जाती है, और उस स्वरूप को जागृत करने की आराधना की जाती है कि व्यक्तियों में उस स्वरूप की आराधना हो। और यही हमारी परंपरा रही है, भारतीयता की परंपरा, जो कि कहती है कि हम साथ साथ चलें, साथ साथ तप करें, संगक्षध्वम संवदध्वम संवो मनस जानताम, यह अथर्ववेद में कहा गया है, और साथ ही साथ कठोपनिषद में कहा गया है कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा भय, साथ साथ हम विश्व कल्याण के लिए तप करें। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद माताओं बहनों के साथ चित्र, यादगार चित्र खिंचवाते हुए, जो कि एक यादगार लम्हा है यहाँ के माताओं बहनों के लिए और साथ ही साथ समूचे नागरिकों के लिए। अभिवादन करते हुए समूचे भारत भारतीयता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारत भारतीयता को किस तरीके से संरक्षित रखा है हमारी माताओं बहनों ने बांग्लादेश में, उसका रूप भी आप देख रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के इस यशोश्वरी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं। अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हमारे शक्तिपीठ भारत के आदि गुरु स्वरूप को स्थापित करते हैं। ये 51 शक्तिपीठ अगर तिब्बत में मानस शक्तिपीठ में दाक्षायणी शक्तिपीठ के रूप में है, तो वहीं श्रीलंका में इंद्राक्षी शक्तिपीठ के रूप में है, पाकिस्तान में हिंगलाज शक्ति रूप के पीठ में है, तो बांग्लादेश में ये यशोश्वरी शक्तिपीठ, और साथ ही साथ सिलहेट में बांग्लादेश में ही 5 अन्य शक्तिपीठ, सिलहेट में महालक्ष्मी शक्तिपीठ, जयंती शक्तिपीठ, बागुरा में करतोया शक्तिपीठ, सुगंधा शक्तिपीठ जो कि खुलना में है, और चटगांव में चट्टल भवानी शक्तिपीठ। ये बताते हैं कि किस तरीके से सनातन संस्कृति के शक्ति बिंदु जो हैं वो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, जो कि सनातन संस्कृति के मूल आधार बिंदु हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, और यहाँ पर पहुँचने पर वो भावना और बलवती होती है, जो कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं बन निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। और इसी भावना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानवता के विजय के लिए भारत भारतीयता को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने के लिए बांग्लादेश के इस यशोश्वरी शक्तिपीठ में पहुंचे हैं, और यहाँ पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है।
ये जशोश्वरी शक्तिपीठ बेहद महत्वपूर्ण है और ये मंदिर का नवीनतम कलेवर ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी सनातन संस्कृति के जो श्रद्धा के बिंदु हैं वो अभी भी संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। और ऐसे अनेक शक्तिपीठ पूरे बांग्लादेश में हैं, पूरे बंगाल में आदिकाल से अगर देखें तो शक्ति की उपासना की प्राचीन परंपरा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ भगवती के अनन्य उपासक और शक्ति के पूजन के लिए, शक्ति संवर्धन के लिए माँ भगवती के शक्ति स्वरूप की पूजा अर्चना के अनन्य भक्त के रूप में हैं। चाहे वो नवरात्र का अवसर हो चाहे अन्य अवसर, माँ भगवती की पूजा ये बताती है कि हम महालक्ष्मी के रूप में, महासरस्वती के रूप में, महादेवी के रूप में, महाकाली के रूप में, अनेक रूपों में माँ भगवती की पूजा तो करते ही हैं, साथ ही साथ नारी शक्ति की भी पूजा करते हैं। नारी शक्ति की वह पूजा जो भारतीय संस्कृति में नारी तू नारायणी की पूजा होती है, जो कि माँ भगवती के स्वरूप में अनेकानेक रूपों में माँ भगवती की पूजा की जाती है, जो कि शक्ति की पूजा होती है, परंपरा की पूजा होती है। और शिव और शैव परंपरा के साथ साथ सारस हमारी जो भगवत परंपरा है, जो हमारी भागवत परंपरा है और साथ ही साथ जो हमारी शाक्त परंपरा है, वो उसमें शक्ति की पूजा बेहद महत्वपूर्ण और अहम है। यहाँ उपस्थित जन समुदाय से प्रधानमंत्री एक अभिवादन कर रहे हैं और एक बार फिर उलूक ध्वनि, शंखत ध्वनि और डाकत ध्वनि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है और अब वो प्रस्थान कर रहे हैं। ये बंगाल की परंपरा है जिसमें माँ भगवती की आराधना में ही उलूक ध्वनि, शंखत ध्वनि और डाकत ध्वनि से माता का आह्वान किया जाता है। और यहाँ शक्तिपीठ पर पहुँचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी डाकत ध्वनि, उलूक ध्वनि और शंखत ध्वनि के जरिए हुआ।
করুন করুন দিবে আপনি তার দীর্ঘ আয়ু দান করুন।